नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं यूपी योद्धा वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होने वाली है। ग्रैंड लीग जानने से पहले दोस्तों बता दूं कि लगातार अच्छी हमारी रिजल्ट चल रही है, तो अगर आपको भी ऐसा रिजल्ट चाहिए हो तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरे फाइनल टीम में कुछ भी बदलाव होगा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। और अगर आप लोगों में से कोई भाई ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात की देरी है मेरे दोस्त, वक्त निकालिए, अभी के अभी जाइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा नीचे आप आइए ना, देखिए मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहां पे आपको जीएल कबड्डी का पर्टिकुलर वीडियो, एसएल का वीडियो, फिर डोमेस्टिक मेंस वुमेंस जितने भी टूर्नामेंट होते हैं अप्रॉक्सीमेट सारे लगभग अच्छे टूर्नामेंट आपको एकमात्र चैनल पे विद डिटेल्स वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने हमेशा से कहा कि अगर आपको जीएल में अच्छा रैंक करना है ना, तो आपको मैट वाली जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर होता है तो जीएल आपके पास होंगे, बस आपको ये चीज समझना है और जीएल में जाकर लगा देनी है। जैसे कि मैं आपको पहले बताऊंगा इनके जो मेन लीडर होंगे, मींस तेलुगु टाइटंस के जो मेन लीडर होंगे वो किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं यूपी योद्धा का। तो तेलुगु टाइटंस का मेन लीडर होंगे पवन सेरावत, वो एक राइट रेडर है, वो जाएंगे सबसे पहले यहां पे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर कौन है, सुमित सांगवान उनके पास। फिर यहां पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए, नाम बताओ भाई साहब जल्दी हाथ खड़ा करो, कौन यहां पर आने वाले हैं, नितिन पवार, ठीक है। अगर आशु सिंह खेलेंगे तो नितिन पवार नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे राइट कवर पे आशु सिंह, और यहां पे खेलते हैं नीतीश कुमार। तो इनको पवन सेरावत को अगर कोई टैकल करेंगे तो यहां पे सुमित या तो करेंगे नीतीश, नितिन या फिर नीतीश, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके तरफ से दूसरा मेन लीडर होंगे रजनीश दलाल, वो भी आपको दिखेंगे पहले सुमित के पास जाते हुए, फिर यहाँ पे जो है नितिन पवार के पास, फिर नीतीश कुमार के पास। इनके पास एक ही लेफ्ट रेडर है जिसका नाम प्रफुल्ल जावड़े, वो आपको दिखेंगे यहाँ से सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब नहीं खेलेंगे यार, समझो हमारे पीपीटी बनाने वाले भाई साहब, यहाँ नीतीश कुमार है, ठीक है। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ से इस मैच में खेलते हुए गुरदीप, और फिर आपको दिखेंगे सुमित सांगवान। अब देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसके रेडर मीन्स तेलुगु टाइटंस के जो रेडर होंगे वो किसके पास जाएंगे। अब हम बात करेंगे जो यूपी योद्धा के रेडर होंगे वो किस तेलुगु के डिफेंडर के पास जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यूपी योद्धा के पास अगर हम बात करेंगे प्रदीप नरवाल एक रेडर होंगे, दूसरा होंगे यहाँ पे सुरेंद्र गिल, प्रदीप लेफ्ट रेडर हैं, और यहाँ पे सुरेंद्र गिल राइट रेडर हैं, और आपको दिख जाएंगे यहाँ से विजय मलिक लेफ्ट रेडर, ठीक है। कोई डाउट, चलिए अच्छी बात है, नहीं ना है तो पूछना भाई कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले कौन जाएंगे रेडिंग करने के लिए। पिछले मैच में गए थे यहाँ पे सुरेंद्र गिल, उससे पहले प्रदीप जा रहे थे, लेकिन कोच साहब मुझे लगता है कि सुरेंद्र गिल को ही अब स्टार्टिंग करवाने वाले हैं रेडिंग से। इनके लिए सबसे पहले यहाँ पे इंतजार करने वाले हैं जिसका नाम है संदीप ढुल, लड़का ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए यहाँ से मिलाद जब्बारी, जिस पोजिशन पे खेलेंगे उसका नाम है राइट कवर, और आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे शंकर गडे। कोई डाउट, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनके पास लेफ्ट रेडर होंगे प्रदीप नरवाल, हुए एक लेफ्ट रेडर हैं, सामने जाएंगे शंकर गडे के पास, फिर जाएंगे प्रवीण भैसवाल जो इनका इंतजार करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे उनके पास, फिर जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे संदीप ढुल के पास। इनके पास जो तीसरा मेन रेडर होगा जिसका नाम है विजय मल्लिक, वो भी एक लेफ्ट रेडर है, वो जाएंगे शंकर गडे के पास, फिर जाएंगे यहाँ पे प्रवीण भैसवाल के पास, फिर जाएंगे संदीप ढुल के पास। तो मुझे लगता है कि आपका जो अब डॉट्स है, कौन सा प्लेयर किसके पास जाएंगे, कौन सा डिफेंडर किसको टैकल करेंगे, और सब कुछ क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अब आइए हम देखते हैं अपनी जीएल की टीम। टीम नंबर वन तो वही है दोस्तों जो मैंने आपको स्मॉल लीग की टीम में दिए हुए, और जिसका मैंने इस मैच का पर्टिकुलर एक डिटेल्स वीडियो भी दिया हुआ है, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर क्या हमारी टीम है, पवन सेरावत, प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गुल, सुमित, संदीप ढुल, प्रवेश मेसवाल, ऑलराउंडर से मैंने लिए शंकर गढ़े को, कैप्टनसी का भार मैंने सौंपे पवन सेरावत को, वीसी हमने दिए सुरेंद्र गिल को। ये हमारा जीएल का टीम नंबर वन और स्मॉल लीग का टीम नंबर वन है। अब आइए हम बात करते हैं तीन अपनी और अलग जीएल की टीम क्या होंगी। तो मैं जीएल में टीम छिड़खानी नहीं करता हूं, मैं टीम सेफ लेके जाता हूं। टीम यहां भी आपको सेफ दिखेगा, बस मैंने कैप्टन दिए पवन को, वीसी मैंने दे दिए प्रवेश भैंसवाल को। रीजन क्या है कि सामने वाले यूपी के पास दो लेफ्ट रेडर हैं। फिर मैंने टीम नंबर तीन में क्या किया ना, मैंने पवन को कैप्टन दिया, टीम वही है प्रवेश, संदीप डुल, सुमित, शंकर गढ़े, प्रदीप नरवाल और सुरेंद्र गिल। वीसी मैंने दे दिए प्रदीप नरवाल को, चलेंगे तो भाई साहब वन साइडेड लेके निकल जाएंगे। उसके बाद जो मेरा टीम नंबर चार है उसमें देखिएगा टीम मेरा सेम है, सामने से लगभग 80-85% रेडिंग होगा राइट के साइड से, तो मैंने सुमित सांगवान को कैप्टन, और फिर से मैंने पवन सेरावत को वीसी दिया हुआ है।
तो ये हमारे कुछ जीएल की टीम है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप जीएल खेलते हो आपको जो है ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि इस मैच को विन कौन करने वाला है। अगर आप इसको क्लियरली समझ ले तो आपके लिए जीएल आसान हो जाएगा। और ये जो विनिंग कौन सी टीम करेंगी ना वो ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रियल इलेवन पे कौन से टीम जीतेंगी कौन सी टीम हारेंगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के टारगेट मैंने रखे इस वीडियो में मात्र 1000 का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिएगा। कबड्डी में नहीं तो कब करोगे। धन्यवाद।